हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जी गाइस, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएँ हैं वो आपके जुलाई के पहले सप्ताह में होने जा रही हैं। जी गाइस, जुलाई के पहले सप्ताह में होंगी परीक्षाएँ। आपको बता दें, इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और द्वितीय वर्ष के। आपकी परीक्षा का जो समय सारणी है, जो आपको 3 घंटे में कराया जा रहा था, अब आपको 1.5 घंटे में ही एग्ज़ाम हॉल में रहना होगा, अर्थात 1.5 घंटे में ही आपकी परीक्षाएं होंगी। और जो 2 पेपर आपके कराए जाते थे, अब एक ही पेपर कराए जाएंगे। तो मिला जुला के आपको परीक्षा देनी है हर हाल में, और समय जो सीमा थी उसको कम किया गया है। और 2 परीक्षा की बजाय आपको 2 पेपर, जो एक सब्जेक्ट में 2 पेपर के एग्ज़ाम होते थे, अब एक ही पेपर से आपको सेकेंड पेपर में अंक जो है आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे में आइए देखते हैं क्या है पूरी बात। 1.5 घंटे का होगा प्रश्न पत्र, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। सवालों की संख्या भी कम होगी, संख्या जो है उसकी जो है कम कर दी गई है, ताकि आपको अच्छे से 1.5 घंटे में आपकी जो भी क्वेश्चन है वो हो जाए। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो द्वितीय और तृतीय वर्ष की के साथ अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। तो द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष भी इसमें शामिल किया गया है। तो गाइस, डिटेल में बात करें, आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या है अपडेट, यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में। जी गाइस, अगर बात करें तो आज जैसा कि 16 जून है, जी गाइस 16 जून है, और आपको पहले सप्ताह में अगर बात करें तो 1 जुलाई से आपकी परीक्षाएं लगभग स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ऐसे में आपके पास केवल अगर देखा जाए तो आपके पास सीधे 14 दिन का टाइम है। जी गाइस, सीधे 14 दिन का टाइम है, और इस 14 दिन में आपको जो है पेपर भी देना है। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर बहुत ही डिले होगा तो 15 जुलाई तक एग्ज़ाम के शेड्यूल आ जाएंगे, लेकिन आपको पेपर देना ही होगा। क्यों? क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियाँ एक्टिव हो गई हैं और अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगी प्रोफेसर कुलपति निर्मला एस मौर्या की अध्यक्षता में मंगलवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के पहले सप्ताह में शुरू कराने की सहमति बनी। इस दौरान निर्णय लिया गया कि परीक्षा में पहले की तरह सवाल दिए जाएंगे, लेकिन सवालों की संख्या में कटौती होगी। सीधे लिखा है कि सवालों की संख्या में कटौती होगी, परीक्षा 3 की बजाय 1.5 घंटे की होगी। समिति की बैठक में तय हुआ कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जाएंगी। कोविड संक्रमण को देखते हुए परीक्षा का समय कम कर दिया गया है। इसके अलावा समिति ने यह तय किया कि जिन विषयों में 2 पेपर होते हैं या होती रही हैं, उनके जो है पेपर अब एक ही होंगे। पहले पेपर के आधार पर दूसरे में नंबर दे दिया जाएगा। तो जितने भी छात्र हैं वो एकदम अलर्ट हो जाएं, आपके मार्क्स जितने पहले में आएंगे उसी बेस पे आपको दूसरे में दिया जाएगा। तो आप अच्छे से मार्क्स लाइए, ताकि आपका दोनों पेपर का, जी गाइस, दोनों पेपर के जो मार्क्स हैं वो एक ही पेपर से डिक्लेयर कर दी जाए। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सभी को पता है वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में 29 जुलाई को परीक्षाएं स्टार्ट की जाएंगी। तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो भी छात्र हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के, वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, या उन्हें फ़ोन करके या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो उनकी परीक्षाएं, जैसा कि द्वितीय और तृतीय वर्ष आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्रदेश से बाहर के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथमा, पूर्वा, पूर्व माध्यमा और उत्तर माध्यमा के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। परीक्षा नियंत्रक विशेश्वर प्रसाद ने बताया कि कोरोना काल को देख शासन के निर्देशानुसार प्रश्न पत्रों का स्वरूप छोटा किया जाएगा और पेपर केवल 1.5 घंटे का होगा। तो यहाँ भी जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको भी 1.5 घंटे में एग्ज़ाम देना होगा, और उनकी भी जो पूर्व माध्यमा और उत्तर माध्यमा की परीक्षाएं हैं या वहां के छात्र हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, और जो तृतीय और आचार्य हैं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो ऐसे में
दोनों यूनिवर्सिटी को हमने इस वीडियो में लगभग लगभग सभी बातों को जो है आपको बताया कि क्या है परीक्षा को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करते हैं कि गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नोटिस एक नए यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब कमेंट के जरिए या नेक्स्ट वीडियो के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नोटिस एक नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।